करते हैं इस डेस्टिनेशन को बाय बाय, चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। हम हैं अभी सूरजताल और अब चलते हैं हम बारालाचला की ओर। मौसम एकदम ठंडा, धूप जा चुकी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मेरे बराबर में है बर्फ़ की सबसे लंबी झील सूरजताल। बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, मिलते हैं आपको आगे। दोस्तों, वीडियो में आने वाले व्यू और रोड का रिव्यू आप उस समय अच्छे से कर पाएंगे जब आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे आपसे हो सकता है कोई अच्छी जानकारी या कोई अच्छा व्यू छूट जाए, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और पूरा आनंद उठाएं। स्वागत है आपका लद्दाख सीरीज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अब वो नज़ारे शुरू हो गए हैं जिन्हें देखने के लिए हम लद्दाख राइड करते हैं। बाकी सड़क थोड़ी टूटी फूटी लेकिन काफ़ी अच्छी, अभी तक भी कोई ज़्यादा ऑफ रोड नहीं आया है, छोटे मोटे टूटे मोटे पेच रास्ते में मिले हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सड़क और शानदार व्यू आप देख सकते हैं सामने की ओर। और रोड भी काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है, हालांकि अगले साल तक ये बन जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि बीआरओ एकदम मुस्तैद है, अपने कार्य पर पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। बीआरओ ही है कि जिसके भरोसे हम इतनी अच्छी सुविधा यहाँ मिल रही है हमें पहाड़ों में। बर्फ़ का नज़ारा बिल्कुल एक नंबर। और बाइक बहुत अच्छी स्पीड से जो है चढ़ रही है। बाकी सामने का नज़ारा भाई साहब, आप अगर देखें, मन करता है उस चोटी के पास ही चला जाऊं लेकिन रास्ता नहीं है। मुड़ते हैं अपने मंजिल की ओर। बाइकर बहुत हैं, कपल्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और हमारा कपल जो है वो बीमार है घर पर, इसलिए मैं लेकर नहीं आया हूँ। दरअसल एक छोटा बच्चा भी है जिसकी वजह से मैं कपल राइड नहीं कर सकता हूँ। बाकी मिस बहुत कर रहा हूँ, याद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। सबसे ज़्यादा याद जो आ रही है वो अपने बेटे की, क्योंकि मैं जब भी बाइक पर कहीं जाता हूँ वो सबसे आगे होता है। मैं भी जाऊँगा और बाइक का हैंडल भी संभाल लेता है, वैसे तो बैलेंस बना लेता है वो। और इतना चंट भी है कि जब चोराया हो तो हॉर्न बजाना है और सामने भीड़ हो तो पापा
हैंडल पकड़ो, एकदम बोलता है पापा हैंडल पकड़ो। अभी 4 साल का है लेकिन दिमाग आजकल बच्चे बहुत चलाते हैं, आजकल के नज़ारे का मजा लीजिए आप। कहाँ मैं फैमिली की बातों में खो गया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ हमारे दोनों ओर, वैसे तो अभी और भी ज़्यादा बर्फ मिलेगी हमें आगे बार लाचला पर, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं बर्फ की ओर। और जो हमारी बाइक है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। दोस्तों पिछली बार मेरे से कई सारे सवाल पूछे गए थे कि सुपर स्प्लेंडर से जब मैं आया था मेरी रास्ते की कोई वीडियो नहीं थी क्योंकि मेरे कैमरे ने मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन सुपर स्प्लेंडर भी बहुत अच्छी चढ़ाई चढ़ी थी। ठीक है ये 40 प्लस की स्पीड पे दौड़ रही है, वो 20 प्लस की स्पीड में थी, लेकिन उसका पेट्रोल का खर्च इससे एकदम आधा था। और जहाँ ये अपनी मस्ती में मगन होकर खुश होकर चढ़ रही है वहाँ वो थोड़ा दबकर चढ़ी थी, बाकी पूरा कवर कर लिया था उसने भी। मुझे कोई दिक्कत कहीं नहीं आई थी केवल चांगला पास के अलावा। चांगला पास पर बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से बाइक का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था। रुकते हैं थोड़ा यहाँ पर, करते हैं फोटोग्राफी। हम आ गए हैं बारालाचला, आपके सामने है सुंदर नज़ारा बारालाचला। यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आप देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। तो ये है भैया ओरिजिनल आइस वर्ल्ड। आप बहुत नकली आइस वर्ल्ड में जाते हो ना, एक बार यहाँ भी आओ आइस वर्ल्ड भूल जाओगे, मेरी गारंटी है। आप जितने बंदे जाते हो ना आइस वर्ल्ड भूल जाओगे एक बार यहाँ आओगे तो। ये है आइस वर्ल्ड। लाचला पर हल्की हल्की फुहार के साथ स्नो, अगर वीडियो में आपको नज़र आ रही हो तो। हाँ मैं भी बारालाचला। तो दोस्तों बारालाचला पर हमारा वेलकम करने के लिए आई है स्नो। आप कैमरे में अगर महसूस कर पा रहे होंगे हल्की हल्की सी, अभी हल्की हल्की सी स्नो जो है आ रही है। अभी थोड़ी देर में या तो इंतज़ार करेंगे थोड़ा इसका बढ़ने का, जिससे कि हम आपको दिखा सकें। दोस्तों स्नो तो नहीं आई लेकिन पीछे से सैलानियों की बहुत ज़बरदस्त एकदम से भीड़ आ गई, जिस वजह से मुझे एकदम आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि अगर हमारा फ़ोटो वोटो हो गई तो हमें दूसरों को रास्ता देना चाहिए, ये नहीं कि जगह को घेरे बैठे रहें। और वैसे भी हमें दूर निकलना है, हमारा जो शाम को रात को रुकने का प्रोग्राम है वो उसी का है। करते हैं एक नेचर कॉल अटेंड, मिलते हैं आपको फिर दोबारा से बाइक के ऊपर। देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ व्हीकलों की, प्राइवेट व्हीकल में भी कोई कमी नहीं है और हर स्टेट का वाहन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, यूपी में तो गाज़ियाबाद,
और नोएडा और अपना यूपी 12 मुझे अभी तक दूसरा तो नहीं मिला खैर कोई, बाकी काफ़ी प्रांतों से लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। हम बारालाचाले से नीचे की ओर उतर रहे हैं, सफ़र में पूरा आनंद आ रहा है। बाकी धूप खिली हुई है, ठंड थोड़ी कम हो गई है और सफ़र का पूरा आनंद लेते हुए हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। पहाड़ में चढ़ाई से ज़्यादा खतरनाक ढलान है अगर ऑफ रोड हो, क्योंकि सड़क पर तो एक बार बाइक रुक भी जाती है, ऑफ रोड में बाइक रोकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कहीं कहीं तो बाइक स्लिप हो जाती है बहुत तेज़ी से। जब हमारे बराबर में बर्फ की लेयर होती है तो बड़ा ही मज़ा आता है बाइक को चलाने में। बाकी आप देख सकते हैं बर्फ इस तरीके से। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं बर्फ़ और भी ज़्यादा हमें मिल रही है, ये चक्कर हमारी समझ से परे है, या तो इस ओर बर्फ़ ज़्यादा गिरी है। बाकी जिन नज़ारों की हमें बहुत देर से इंतजार था वो नज़ारे अब हमें भरपूर मिल रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। आप देख सकते हैं सामने की ओर मौसम में काफ़ी बदलाव आ गया है, बारालाचाला उतरते ही पहाड़ियों का रंग भी बदल गया है, जो व्यू है एकदम चेंज है, आसमान का कलर एकदम नीला, पहाड़ का रंग जो है हल्का ब्लैक कलर पर आ गया है, बाकी नेचर में फ़र्क पड़ गया है बहुत ज़्यादा, मौसम भी बदल गया है,
और इस एहसास को करने के लिए आपको एक बार यहाँ आना जरूर पड़ेगा। मैं शब्दों में कितना भी बयां कर लूँ, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पूरा आनंद आ रहा है, मज़ा एकदम अनलिमिटेड, जोश, हैव अ फुल जोश। आपके सामने एक और मज़ेदार व्यू। जब हम इस तरीके की बर्फ़ की गुफा के बीच से निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। इससे पहले भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, एक बार केदारनाथ में, सॉरी बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में एक बार बहुत ज़बरदस्त आइस गिरी थी और सड़क के दोनों ओर इसी तरह 6-6, 7-7 फुट की दीवारें बर्फ़ की खड़ी हो गई थी। मन करता है यहीं बीच में तंबू लगाकर सो जाऊं, लेकिन ये रोड है और बहुत सारे यात्री यहाँ से आते जाते हैं, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तंबू गाड़ना तो दूर की बात है, यहाँ खड़े होकर फोटोग्राफी करना भी दिक्कत भरा हो सकता है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं सरचू। बहुत अच्छा मौसम सरचू का, धूप खिली हुई है, ठंड का प्रकोप थोड़ा कम है। बाकी सही समय से हम सरचू आ गए हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेंगे, खाना वाना बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि अभी तो हमें कम से कम 220 किलोमीटर का हमारा जो सफ़र है वो बाकी है यहाँ से उपसी के लिए। बाकी जो हमारे साथी हमें रास्ते में मिले थे, मोहित सोलंकी जी और जागलान जी, वो हमारे साथी हैं। हमारे सामने है उनकी गाड़ी फोर्ड इंडिवर ब्लैक, ये हमारे साथ साथ ही आ रहे हैं। बाकी रुकते हैं, कुकिंग वुकिंग करेंगे, थोड़े मज़े करेंगे, फिर सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। ये फ्लाईओवर सरचू के अंदर पिछले 2 साल हो गए हैं इसको, काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है कोई रीज़न हो, वैसे तो इतना बड़ा पुल तो नहीं था ये, लेकिन क्यों नहीं बन पाया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पर एकदम ढलान है और पत्थर भी बिखरे हुए हैं, तो थोड़ा संभल कर ही चलाना पड़ेगा। चढ़ाई से ज़्यादा ढलान खतरनाक होता है पहाड़ के अंदर, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पर रोड पर पत्थर बिखरे हुए हों, क्योंकि बाइक एकदम रुक नहीं पाती जहां हम उसे रोकना चाहें।
तो करते हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू, फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये लॉरी है और यहाँ पर फंस गई है, इससे पीछे रहकर ही रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। ऑफ रोड थोड़ा छोटा छोटा ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है, एकदम बड़ा ऑफ रोड मिलने से, क्योंकि छोटे गड्ढों में ही वाट लग जाती है। लगेज बहुत ज़्यादा है मेरी बाइक पर, हर बार सोचता हूँ कुछ कम लगेज लेकर आऊँ, लेकिन फिर भी लगेज बढ़ ही जाता है। इधर या उधर, उधर तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं सरचू, और बहुत ही अच्छे समय से हम सरचू पहुंच गए हैं। बाकी करते हैं अपनी एंट्री। हमारे जो साथी मिले थे रास्ते में हमें, बड़ौत वाले मोहित सोलंकी जी और जांगलान साहब, वो भी आ गए हैं पीछे पीछे। बाकी पहले एंट्री करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। काफ़ी देर होगी चलते चलते, थोड़ा आराम भी करेंगे। रास्ते में मिलने वाले हमारे बड़ौत के साथी तांडी से ही हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और अब हम आ पहुंचे हैं सरचू। और सरचू आके हमने किया है किचन सेटअप तैयार, हमारे जो बंधु हैं ये भी किचन सेटअप पूरा तैयार करके ले आए थे, और यहाँ बन रही है वेज पुलाव, और सभी जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई मिर्च मसाले डाल रहा है, तो कोई फ्राई कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा सेटअप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किचन सेटअप एकदम नया, आज फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है। ये भैया ने भी अपना YouTube चैनल बनाया है और ट्रेवल्स वीडियो बनाएंगे, तो इन्होंने सारी क्रॉकरी वगैरह सब अभी नई खरीदी है, जो आज ही फर्स्ट टाइम यूज़ होगी। बाकी जब बंदा कुछ नई चीज़ पहली बार ख़रीदता है तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि जो स्टोव था ये हाई स्पीड लेना था कुकिंग के हिसाब से, ये इन्होंने घरेलू ले लिया। और जैसे कि चार पाँच बंदे हैं तो कुकर भी थोड़ा छोटा है इनका उस हिसाब से। बाकी समय के हिसाब से सब एडजस्ट होता रहेगा, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बदलती बदलती रहेंगी। अभी जो है भैया मेरे पास खड़े हैं, और दो भैया जो है पानी लेने के लिए गए, और अभी हमारे चावल भी थोड़े गर्म पानी में हमें इनको भिगोना है। और ये हमारा इधर मिक्स वेज जो हमने फ्राई तो कर लिया है, लेकिन पानी की कमी होने के कारण बीच में उतारना पड़ गया हमें। तो करते हैं खाने को तैयार, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। ना हो गया रेडी, और यहाँ हो रही है थोड़ी सी कॉमेडी। अब सभी ने अपनी अपनी संगत लगा ली है, अपनी अपना स्थान ले लिया है। और भी कहाँ गए भाई, चंपा चमेली वाले कहाँ गए भैया? तो खाना हमारा हो गया है रेडी, करते हैं फटाफट इसको फिनिश करें। अगर टेस्ट की बात, उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी अपने खाने की बुराई नहीं करता हूँ, इसलिए खाने को फटाफट निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। ये भैया की गाड़ी, और ये हमारी
रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 जिगर। आप लोग जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए बता दो, इसका नाम है जिगर। और ये हमारा टेंट, सुबह जब हमने पैक किया तो भीगा हुआ था, हमने इसको यहाँ धूप में फैला दिया है क्योंकि एक आधा एक घंटा लगेगा तब तक ये बिल्कुल सही हो जाएगा सूख कर, और शाम को अगर हमें इसे लगाना पड़ा तब तक एकदम फिट हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, जुले।